बी फार्मिंग देश में शहद क्रांति या स्वीट रिवॉल्यूशन का आधार बना रही है। हेलो एवरीवन, तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं बी फार्मिंग के बारे में, यानी मधुमक्खी पालन के बारे में, कि कैसे इस चीज़ को किया जाता है और आप इसे करके कैसे एक अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं और एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले सकते हैं, कैसे आप इसे एकदम छोटे लेवल से शुरुआत करके काफ़ी अच्छी खासी इनकम ले सकते हैं, और जो बी बॉक्सेज होते हैं इनको आप कहाँ से खरीद सकते हैं। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो सिर्फ हनी होती है इसी को सिर्फ बेच के वो एक अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ हनी नहीं होता, एक दो और भी चीज़ें होती हैं जो कि आप बेच के एक अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं, और कैसे आप इसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों को जानेंगे। तो चलिए इन सब चीज़ों को थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि भैया ये मधुमक्खी पालन होता क्या है। तो कहीं ना कहीं बी फार्मिंग जो है इसको काफ़ी समय से किया जाता है, ज़्यादातर इसे पहाड़ी इलाकों में किया जाता है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो फूल हैं वो होते हैं, क्योंकि उन्हीं के ज़रिए जो पॉलन और नेक्टर है वो मधुमक्खियाँ कलेक्ट करती हैं, जिसके ज़रिए जो शहद है वो बन पाता है, और इसीलिए उन एरियाओं में ये ज़्यादा किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्लेन एरिया में भी किया जाता है, जहाँ पर भी, जैसे जब सरसों की खेती होती है तो सरसों के जब फूल आते हैं तो उस समय इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। आप लोग इस चीज़ को यहाँ पे समझ लीजिए कि जो बी फार्मिंग होती है इसको एक ही जगह नहीं किया जाता, मतलब कि आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि कोई एक छोटा सा इलाका है जहाँ पे बी फार्मिंग किया जाता है, तो कुछ समय के बाद जब वहाँ पे फूल ख़त्म हो जाते हैं, यानी जब फूलों का सीज़न वहाँ से चला गया, तो वहाँ से कई बार जो बी बॉक्सेज होते हैं उनको डिस्प्लेस भी कर दिया जाता है, यानी वहाँ से हटा के किसी दूसरी जगह पे लिया है जहाँ पे जो पॉलन और नेक्टर है वो मधुमक्खियों की काफ़ी अच्छे अमाउंट में मिल जाए, यानी जो बेसिकली फूल हैं जिनके ज़रिए ये पॉलन और नेक्टर को कलेक्ट करती हैं वो उनको काफ़ी अच्छे अमाउंट में जहाँ से मिलता है, ज़्यादातर उन्हीं जगहों पर बी बॉक्सेज को रखा जाता है, क्योंकि तभी तो प्रॉफिट मिलेगा। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो बी फार्मिंग होती है इसके अंदर सिर्फ हनी को नहीं बेचा जाता, बल्कि हनी के साथ और भी एक दो चीज़ें होती हैं, जैसे कि पॉलन होता है हमारा, वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है। जो भी आपने बी बॉक्सेस रखे हैं ज़्यादातर उसको ऐसी जगह रखा जाता है कि वहाँ से जो वाटर रिसोर्स है, यानी वहाँ से कहीं पानी ज़्यादा दूर ना हो, करीब में हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। और भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप एक वीडियो देख के नहीं समझ सकते, इसके लिए कहीं ना कहीं आपको एक पूरा एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इसीलिए अगर आप इस चीज़ को करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कराते हैं, इसीलिए आप उनसे जुड़ के इस चीज़ को कर सकते हैं, यानी इस बी फार्मिंग की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी आ जाएगा और उनसे आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। और जब उनसे जुड़कर आप इस चीज़ को करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको बी बॉक्सेस भी अवेलेबल करा देते हैं, उसके अंदर जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो भी वही आपको अवेलेबल कराते हैं, और जब आप पूरे अच्छे से फार्मिंग करके उनको, जब आप जो हनी है उसको प्रोड्यूस कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हनी प्रोड्यूस हुआ है उसे वो ख़रीद भी लेते हैं, मतलब कि जो ख़रीदने का झंझट है वो भी आपके दिमाग से पूरी तरीके से हट जाता है, यानी उसका भी टेंशन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। और शुरुआत में कहीं ना कहीं आपको इसी चीज़ को करना चाहिए, यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी फार्मिंग में सिर्फ एक दो चीज़ें नहीं होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसका आप जानना आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आप इसे कैसे कर सकते हैं, मतलब आप इसे एक छोटे लेवल से कैसे शुरू कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको अच्छी खासी इनकम भी हो, और अगर आप सिर्फ एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं कि कैसे इस काम को किया जाता है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होती है, वो भी आप यहाँ पर सीख पाएँ। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप इसे अपने छत पर भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको अच्छी खासी इनकम मिल सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है छत पर इतने बड़े लेवल पर ना हो पाए, तो वहाँ पर आप सिर्फ एक दो बॉक्सेस से शुरुआत कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको वहां पे कुछ प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा, जिसके बाद आप इसे एक बड़े लेवल पे कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप इसे छोटे लेवल पे करते हैं तो भले आपको प्रॉफिट ना मिले, लेकिन आपको जो शहद है वो ज़रूर यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आप आखिर कितने बॉक्सेस से शुरुआत कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिले। तो कहीं ना कहीं लगभग 30 से 50 बॉक्स होने चाहिए, यानी अगर 30 से 50 बॉक्सेज हैं, 30 से 50 बी बॉक्सेज हैं, तभी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि इसमें लेबर चार्ज और भी जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उनको अगर निकाल दें तो अगर 30 से 50 बॉक्स हैं तो आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट ले पाएंगे, नहीं तो आपको इतना अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं मिलेगा।
और अब हम बात कर लेते हैं कि जो एक बी बॉक्स होता है यानी जो एक पेटी होती है इसमें आपका कितना खर्चा लगता है। तो कहीं ना कहीं एक जो बी बॉक्स की कीमत है वो पड़ जाती है आपकी लगभग 4,500 से 5,000 रुपये, यानी एक अच्छी क्वालिटी का। यहाँ पे इसमें भी अलग अलग वैरायटी आती हैं क्योंकि मधुमक्खियाँ भी काफ़ी अलग अलग वैरायटीज़ की होती हैं। और यहाँ पर एक और पॉइंट निकल के आता है कि अगर आप इस चीज़ को कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपने एरिया का काफ़ी ध्यान देना होगा कि आपका एरिया कैसा है, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि वहाँ पे बी फार्मिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है। क्योंकि काफ़ी सारे आजकल जो पेस्टिसाइड्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाता है, गन्नों में काफ़ी ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी वजह से जो मधुमक्खी हैं वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। तो यही सब चीज़ें आपको पूरा एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी आप इस काम को कर सकते हैं। यहाँ पे जान लेते हैं कि कैसे आप एकदम कम खर्चे लगा के कैसे इस चीज़ को कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी आपका बी बॉक्स होता है अगर आपके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो आप उसे खुद भी बना सकते हैं ना, क्योंकि उसमें क्या कोई बहुत बड़ी चीज़ें उसमें तो होती नहीं है, आप उसे खुद भी बना सकते हैं। कैसे उसको बनाया जाए ये आप खुद पता कर सकते हैं। और भी इसमें काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि आप YouTube पे भी काफ़ी सारी वीडियोस में देख सकते हैं। काफ़ी सारे इसमें इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब कि जो हैट होती है इसकी, और भी इसमें काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं एक दो बॉक्सेस से आप शुरुआत कर सकते हैं, और वो जो एक दो बॉक्सेस हैं वो कहीं ना कहीं आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, क्योंकि जो बॉक्सेस होते हैं वो ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। इसके जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं बी फार्मिंग से रिलेटेड ये आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं और एक दो बॉक्सेस से शुरुआत कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल जाए। और अगर आपका कोई सा भी क्वेश्चन हो तो आप उसे नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।